Hello and welcome students of class 10th to Ujjwal's biology classes. We were going through the chapter that is reproduction, in which we had already dealt with the part asexual reproduction. And now we will be beginning with the most important topic, that is the sexual reproduction. Okay, so now this sexual reproduction, we will be talking about the sexual reproduction in plants, and then we will be moving into the sexual reproduction taking place inside the animals, especially in human beings. So, be it the plants or be it the human beings, if I talk about sexual reproduction, there are certain kind of steps which are same, which take place in both the plants as well as the animals. Clear? So, we begin today the sexual reproduction as a process. Sexual reproduction. And here we will be mainly discussing, we will be grouping this sexual reproduction into three main groups. And we will be studying accordingly the chapter. ठीक? Sexual reproduction मैंने बोला कि ये एक event है जिसके अंदर actually three major events are taking place. We had heard about, we had talked about, learnt about the asexual reproduction. क्या क्या steps होंगे, क्या क्या processes होंगे उसके अंदर, क्या difference होगा asexual reproduction और sexual reproduction के बीच. ना सबसे main चीज तो formation of gametes, और formation of gametes होने के बाद जो होगा fertilization. ठीक? So fertilization will be the most important event that will be taking place inside the sexual reproduction. Clear? तो सबसे मेजर इवेंट जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होंगे, ऑल द इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच आर ऑकरिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन विल बी टर्म्ड एज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक, और जो भी इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उन सारे इवेंट्स को हम लोग लिखेंगे द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है, क्लियर? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग तीन मेजर बेसिक इवेंट्स में स्टडी करेंगे. ठीक, और हर एक इवेंट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहा है. ठीक, सो फर्टिलाइजेशन जो मेन इवेंट है उसको हम लोग सेंटर में रखते हुए जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है उसको तो प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. ठीक, अब देख लेते हैं कि एज अ कॉमन अगर मैं बात करूं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होंगे. सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर द फर्स्ट ऑकरिंग इवेंट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक, और इस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को वी नेम इट एज गैमेटोजेनेसिस. क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? गैमेटोजेनेसिस. क्लियर? नाउ ये गैमेटोजेनेसिस कहां पे ऑकर होगा? ऑब्वियसली देर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? सो देर आर टू टाइप ऑफ सेक्सेस और टू टाइप ऑफ जेंडर, द मेल एंड द फीमेल. क्लियर? सो मेल गैमेटोजेनेसिस, द मेल गैमेट बनने का जो आपका तागाद होगा वो कहां पर बनेगा? इनसाइड द मेल सेक्स ऑर्गन. क्लियर? एंड सिमिलरली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसके अंदर आपका होगा डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेट. क्लियर? ठीक, सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज ऑकरिंग इनसाइड द मेल सेक्स ऑर्गन and the female sex organ respectively. We can say this. Clear? After that, gametogenesis ho gaya, matlab mera male gamete aur female gamete ban gaya,
अब जनरली जो होता है जनरली यहां पे जो मेल गैमेट होगा, ये मेल गैमेट का ट्रांसफर होके किसके पास आएगा? सो ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट. क्लियर? ठीक है. जो मेल गैमेट होगा वो आपका धीरे धीरे किसके पास आएगा? फीमेल गैमेट के पास आएगा. एंड आफ्टर दिस ट्रांसफर, सक्सेसफुल ट्रांसफर, व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट कम क्लोज टू ईच अदर, देन हैपेंस योर द यूनियन ऑफ द गैमेट्स. इसके बाद क्या होता है? द यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. और यूनियन ऑफ द गैमेट्स के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा, सपोज दिस इज योर मेल गैमेट एंड दिस इज योर फीमेल गैमेट. क्लियर? सो व्हेन दिस टू स्ट्रक्चर यूनाइट, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, आफ्टर दैट अ सिंगल स्ट्रक्चर विल बी जनरेटेड ओवर हियर विच विल बी नोन एज द जाइगोट. क्लियर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, नाउ द जाइगोट विल बी डेवलपिंग. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी विल बी हैविंग द इवेंट दैट विल बी टर्म्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. और ये डेवलप हो गया, जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रायो. कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ये एम्ब्रायो. इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे एज एम्ब्रायो जेनेसिस. ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एम्ब्रायो जेनेसिस. क्लियर? सो ये एम्ब्रायो बनके और उसके बाद आपका वो स्ट्रक्चर कहलाएगा. अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो होते 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 जब तक वो पूरा का पूरा नेचुरल एनफ नहीं हो जाएगा टू बी डिलीवर्ड आउट, बिफोर डिलीवरी आपका बनता है द फीटस. क्लियर? और अगर यही चीज अगर मैं बात करूं इन प्लांट्स, तो एम्ब्रायो होते हुए आपका डेवलपमेंट ऑफ द सीड हो जाएगा, तो सीड के अंदर रहेगा आपका एम्ब्रायो. क्लियर? ठीक. तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं ये इवेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बेसिक तीन इवेंट में डिवाइड किया है. द मोस्ट कॉमन दैट विल बी द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होंगे उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री के अंदर क्या क्या होगा? नो ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई हैव टू डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. ठीक. तो सबसे मेन जो आपका क्राइटेरिया होगा यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स विच विल बी टेकिंग प्लेस इन साइड देयर रेस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन्स. क्लियर? सो दिस टर्म इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट. अगर हम लोग यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो स्टेप मैंने लिखा है यही स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे इन द टॉपिक पॉलिनेशन. ठीक है, क्लियर है? आप लोग पहले से भी जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट इन प्लांट्स. ठीक. पॉलिनेशन एनिमल्स के अंदर नहीं होता है. सो पॉलिनेशन इज अ टर्म व्हेन व्हिच ब्रिंग्स द टू गैमेट्स क्लोज टू ईच अदर. क्लियर? सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द, मतलब पॉलिनेशन के बाद हो जाएगा मेरा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मतलब यूनियन ऑफ गैमेट्स, where the male gamete will be meeting the female gamete, they will be fusing over there. तो यहां पे fusion of the gametes होता है और जो resultant structure बनेगा that will be your zygote. Clear? And after this, the post-fertilization event, जो fertilization के बाद होगा उसके अंदर आपका development of the zygote, जो आपका सबसे पहले बनाएगा embryo, और आपका यही step को हम लोग पढ़ेंगे in embryogenesis. Clear? ठीक है. अब हम लोग स्पेशली डील करेंगे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स.
ठीक। सो वहां पे सबसे पहले हम लोग सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे एंड फाइनली वी विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरी स्टेप, थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हम लोग हर स्टेप को यहां पे पढ़ेंगे। चलिए नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर ईच इवेंट को देखने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्लावर, विच इज ऑल्सो नोन एज द रिप्रोडक्टिव यूनिट और द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ प्लांट। क्लियर। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो कि आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड आई हैव नॉट लेबल्ड ईच एंड एवरी पार्ट्स, बट जो मेजर लेबलिंग है वही मैं आपको साथ साथ करते हुए दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमें चीजें है जो हमें याद रखना पड़ेगा ऑन द फ्लावर। सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्लावर देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें याद रखना पड़ेगा, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। क्लियर। और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दिस कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन एज वेल एज देयर वुड बी सम एक्सेसरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स। देयर आर सर्टेन प्राइमरी ऑर्गन्स एंड देयर आर सर्टेन सेकेंडरी ऑर्गन्स। क्लियर। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि इन ईच फ्लावर देयर विल बी फोर वर्ल्ड्स। क्या होगा स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे अभी, उसके अंदर हमें फोर वर्ल्ड्स मिलेंगे। द इनर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा होगा और द आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा होगा वो भी हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर है सारे के सारे एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके अरेंज किया हुआ होगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा सो ऑल द डिफरेंट फोर पार्ट्स विल बी अरेंज्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऑल द सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट। ठीक। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं लेबलिंग के, तो सबसे पहले जो हम लोग लेबलिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग नीचे से शुरू करेंगे, दैट इज द स्टॉक। और स्टॉक कौन सा होगा, ना दिस पोर्शन ओवर हियर विच अटैचेस द फ्लावर विद द ब्रांच और विद द स्टेम, दिस विल बी नोन एज द स्टॉक। और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं पेडंकल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको आइदर स्टॉक बोलते हैं या पेडंकल बोलते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव अ कप शेप्ड ऑर्गन, और ये कप शेप्ड ऑर्गन होगा ओवर विच ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर विल बी अटैच्ड। मतलब अगर मैं इन चार वर्ल्ड्स की बात करूं, ऐसा लगेगा हमें कि ये चार वर्ल्ड्स जो है वो निकल के आ रहा है कौन से स्ट्रक्चर से, दिस कप शेप्ड ऑर्गन या दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर। सो दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर विल बी नोन एज द थैलेमस। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग थैलेमस, या इसका दूसरा नाम है रिसेप्टर सेल। और क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, रिसेप्टर सेल के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर। ठीक। कैसा ऑर्गन होगा, कप शेप्ड ऑर्गन। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे एक एक करके हमारे फोर वॉल्स। सो द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, मतलब अगर मैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर दैट विल बी द ग्रीन कलर्ड सेपल्स। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, इसको नाम देंगे हम लोग सेपल्स। और सेपल्स के बारे में मैंने नोट्स में तो लिखा ही हूं, यहां पर भी बता देता हूं कि सेपल्स का मेन काम क्या होगा, दे आर ग्रीन इन कलर सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और जब फ्लावर का अर्ली स्टेज होगा मतलब ड्यूरिंग द बड फॉर्मेशन, ठीक,
सो ये सेपल्स उस पूरे बर्ड को या जितने भी आपके आउटर मोस्ट मतलब इनर मोस्ट वॉल्स है उन सब को ढक के रखेगा एंड दे विल बी प्रोटेक्टिंग द अर्ली स्टेज्ड फ्लावर कौन सेपल्स एंड इट विल बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलरेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लियर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड दैट इज द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर इसको हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि दे आर द ओनली स्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड वाई ब्राइट कलर्ड बिकॉज दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन क्लियर और ये ब्राइट कलर स्ट्रक्चर हो जाएगा द पेटल्स इसको क्या नाम देंगे हम लोग पेटल्स नाम देंगे क्लियर नाउ फाइनली वी मूव ऑन टू द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर प्राइमरी ऑर्गन्स मतलब प्राइमरी ऑर्गन्स का मतलब हम लोग यहां पर सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम लोग यहां पर इसको सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं तो ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन्स विल बी टू दैट इज वन विल बी द मेल सेक्स ऑर्गन एंड द अदर विल बी द फीमेल सेक्स ऑर्गन क्लियर ठीक तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट द मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन को एक्चुअली हम लोग यहां पे नाम देंगे स्टेमेन क्या नाम देंगे स्टेमेन नाम देंगे और स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द स्टेमेन एंड स्टेमेन जो होगा इट विल बी कंटेनिंग ऑफ द टू पार्ट्स वन विल बी फिलामेंट या तार जैसा एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देंगे फिलामेंट क्लियर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग दिस वायर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फिलामेंट विथ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कैसे लोब्ड है बाइलोब्ड ठीक सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एंथर क्लियर और ये एंथर और फिलामेंट मिला के मेरा बन जाएगा द स्टेमेन ठीक सो द स्टेमेन विल बी द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स द एंथर एंड द फिलामेंट क्लियर ठीक और ये जो एंथर होगा यही एंथर हम लोग बाद में और अच्छी तरह देखेंगे कि दिस एंथर विल बी द स्ट्रक्चर इन विच द पोलन ग्रेन्स विल बी देयर और इन साइड द पोलन ग्रेन्स There will be the male gamete. Clear? ठीक है Moving on to the next, that is the female sex organ. Female sex organ को हम लोग बोलेंगे pistil. क्या नाम देंगे इसको हम लोग इसको नाम देंगे pistil. And the pistil consists of three parts. सबसे पहले जो ये central axis है आपके इस central axis के बिल्कुल downward में जो ये बल्ब स्वोलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ओवरी क्या नाम देते हैं इसका हम लोग इसका नाम देते हैं ओवरी देन द ओवरी हैज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देते हैं द स्टाइल ठीक एंड फाइनली जो स्टाइल है वो स्टाइल के ऊपर आपका एक स्टिकी सरफेस रहता है जहां पर व्हाई इज दिस स्टिकी बिकॉज जब यहां से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे सो द पोलन ग्रेन्स विल बी डस्टेड ओवर द स्टिग्मा ये जो आपका पोर्शन है इस पोर्शन का नाम हम लोग देते हैं द स्टिग्मा बिकॉज इट इज स्लाइटली स्टिकियर सो दैट इट कैन अटैचेस वेरी इजिली या इट कैन हेल्ड टूगेदर वेरी इजिली The pollen grains which are released from the anther. Clear? ठीक है So, आपके जो pistil है ये actually pistil consists of these three parts. ठीक और ये three parts मिला के आपका the pistil हो गया इसी pistil को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं That is the carpel. Clear? So, चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं the structure of the flower. So, which is the reproductive structure of a plant? Now, the reproductive structure of a plant is the flower. And in a flower, what we will be saying? The flower consists of the primary and the accessory organs.
प्राइमरी ऑर्गन्स वो होंगे जिसको हम लोग सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर. एंड आफ्टर दैट द एक्सेसरी ऑर्गन्स जो सपोर्टिव ऑर्गन्स होंगे विच विल बी सपोर्टिंग द मेल एंड द फीमेल पार्ट, क्लियर. आफ्टर दैट ये जो आपका फ्लावर है, हर एक फ्लावर के अंदर देयर विल बी द फोर वॉल्स, क्लियर. फोर वॉल्स विल बी देयर इन साइड अ फ्लावर, ठीक. अच्छा, इस प्रेजेंस ऑफ फोर वॉल्स के ऊपर ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग फ्लावर को एक कंप्लीट फ्लावर और इनकंप्लीट फ्लावर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. अगर कंप्लीट फ्लावर मतलब ऑल द फोर वॉल्स विल बी प्रेजेंट, ऑल द फोर वॉल्स आर प्रेजेंट, अगर ये कंडीशन है तो उस टाइप ऑफ अ फ्लावर को हम लोग नाम देंगे अ कंप्लीट फ्लावर, ठीक. अगर आपका यहां पर इन चार वॉल्स के अंदर कोई भी एक वॉल्स अगर मिसिंग हो, ठीक, इफ आपके इन चार वॉल्स के अंदर कोई भी एक आपका वॉल मिसिंग हो, ठीक, इफ एनी ऑफ द वॉल इज मिसिंग, इफ एनी ऑफ द वॉल इज मिसिंग, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रा हम लोग फ्लावर को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर. कोई दिक्कत, ठीक. सो कंप्लीट व्हेन ऑल द फोर वॉल्स आर प्रेजेंट, इनकम्प्लीट व्हेन आइदर अगर एक भी आपका मिसिंग हो जाए तो उसको हम लोग एक इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, क्लियर. सो सबसे पहला जो आपका होगा दैट विल बी द स्टॉक विच विल हेल्प इन अटैचिंग द फ्लावर विद द ब्रांच और द स्टेम. नेक्स्ट वी विल बी हैविंग अ कप शेप थैलेमस, और ये थैलेमस होगा जहां से आपके ये सारे के सारे वॉल्स आपके निकल के आएंगे. द आउटर मोस्ट वॉल विल बी योर द सेपल्स, क्लियर. देन वी विल बी हैविंग द ब्राइट कलर्ड पेटल्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. देन वी हैव द मेल सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड द स्टेमेन, एंड द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द एंथर एंड द फिलामेंट. नेक्स्ट वी हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज द पिस्टल और विच इज ऑल्सो नोन एज द कार्पेल, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, द बेसल स्वॉलन ओवरी, द ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टाइल, एंड फाइनली द बेस वेर द पोलन ग्रेन्स कम्स एंड अटैच इटसेल्फ, दैट इज द स्टिकी पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, ठीक. सो ये हो जाएगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. बहुत अच्छी तरह आपको ये याद रखना है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. कहां पर होता है, क्या होता है, वी विल बी हैविंग अ बेसिक आइडिया. तो अगर हम लोग और एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे फोर वॉल्स होते हैं, और इन फोर वॉल्स को हम लोग अलग अलग एक आपके साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी देते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट द सेपल्स, तो सेपल्स वॉज द आउटर मोस्ट वॉल, इट वॉज द आउटर मोस्ट वॉल. अगर सिंगल है तो सेपल, बट अगर वॉल ऑफ सेपल्स की बात करूं, सो वॉल ऑफ सेपल्स, ऑल द सेपल्स टेकन टूगेदर ओवर द थैलेमस विल बी टर्म्ड एज कैलिक्स. ये याद आपको रखना है. तो कैलिक्स उस शब्द को हम लोग बोलते हैं विच डिटरमाइंस द वर्ल्ड ऑफ द सेपल्स. सारे सेपल्स को एक साथ अगर मैं ले लेता हूं तो उसको मैं कंसिडर कर सकता हूं एज कैलिक्स, क्लियर. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट पेटल्स, ठीक, तो पेटल्स क्या हो जाएगा ना, पेटल्स विल बी द ब्राइटली कलर्ड वर्ल्ड. अगर मैं कलर ऑफ द फ्लावर की बात करूं तो एक्चुअली ये कलर ऑफ द फ्लावर इज डिनोटेड टू द कलर ऑफ द पेटल्स, ठीक. और जो वर्ल्स ऑफ द पेटल्स होगा, मतलब ऑल द पेटल्स ऑफ द फ्लावर टेकन टूगेदर इफ आई से, देन इट विल बी कॉल्ड कोरोला. क्या नाम देंगे इसको हम लोग, इसको नाम दे सकते हैं कोरोला. सो कोरोला विल बी द वर्ल्ड ऑफ द पेटल्स. देन
हमारा हो जाएगा स्टेमेन, और स्टेमेन के बारे में क्या जाने हम लोग, द स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड द फिलामेंट, क्लियर? ठीक। सो ये जो स्टेमेन है, जितने भी आपके स्टेमेंस हो जाएंगे, द वॉल ऑफ स्टेमेंस टुगेदर विल बी कंसिडर्ड एज एंड्रोइशियम। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इसको नाम दे सकते हैं एंड्रोशियम। ठीक। सो ऑल द स्टेमेंस टेकन टुगेदर विल बी टर्म्ड एज एंड्रोशियम। और ठीक वैसे ही इफ आई टॉक अबाउट द पिस्टल और द कार्पेल, देन दिस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स, द स्टिग्मा एट द टॉप, द स्टाइल, द ट्यूब लाइक स्टाइल एंड द बेसल स्वॉलन पोर्शन, दैट इज द ओवरी। सो इस स्ट्रक्चर को अगर सिंगल आपका पिस्टल है तो वेल एंड गुड, इफ देयर आर मल्टीपिस्टिलरी या मल्टी कार्पिलरी, सो द वॉल ऑफ पिस्टल्स अगर एक से ज्यादा है तो इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं गाइनोशियम। क्या नाम देंगे? गाइनोशियम। अब याद रखना एंड्रो जो शब्द है, इस एंड्रो शब्द का मतलब ही होगा एनीथिंग रिलेटेड टू मेल, और ये जो गाइनो शब्द है, दिस इज अ रूट वर्ड एंड दिस वर्ड इफ इट इज प्रेजेंट विद समथिंग देन इट विल बी जनरली मीनिंग टू कनेक्शन विद द फीमेल। क्लियर है? सो यहां पे हम लोग फोर वर्ड्स और उसके साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो देख लिए। द आउटर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज द सेपल्स इज कॉल्ड द कैलिक्स, वर्ल्ड ऑफ द पेटल्स इज कॉल्ड द कोरोला, द वर्ल्ड ऑफ द स्टेमेंस इज नोन एज द एंड्रोशियम, एंड एंड्रो का मतलब ही हो जाता है रिलेटेड टू द मेल। ठीक। एंड फाइनली वी हैव द पिस्टल और द कार्पल, द वर्ल्ड ऑफ द पिस्टल्स इज कॉल्ड द गाइनोशियम, एंड गाइनो जो शब्द है, देखो गाइनकोलॉजिस्ट, द डॉक्टर हु जनरली ट्रीट्स द डिजीज ऑफ द वोमेन, वोमेन रिलेटेड डिजीज को जो देखता है उसको हम लोग गाइनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक। सो गाइनोशियम विल बी डिनोटिंग टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और द वॉल ऑफ द पिस्टल्स इज कॉल्ड द गाइनोशियम। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके आपका द फर्स्ट स्टेप दैट इज गैमेटोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। अब हम लोग यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग बोल रहे हैं तो दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग विथ गैमेटोजेनेसिस। वी नो दैट हियर देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स। सो गैमेट जो होगा, एक हो जाएगा आपका द मेल गैमेट, एंड देयर विल बी द फीमेल गैमेट। क्लियर? ठीक। मेल गैमेट यहां पर हम लोग उसको नाम देंगे, दैट इज एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज वेरी माइन्यूट इन टर्म्स ऑफ द फीमेल गैमेट, और इसीलिए इसको हम लोग नाम देंगे अ माइक्रोगैमेट। इसको क्या नाम दे सकते हैं? इसको नाम दे सकते हैं हम लोग एक माइक्रोगैमेट। क्लियर है? एक्चुअली ये मेल गैमेट कहां से आपका शुरू हुआ? द मेल गैमेट इज बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, क्लियर है? ये जो माइक्रोगैमेट होगा ये आपका किसके अंदर फॉर्मेशन होगा? इट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स। क्लियर? और ये पोलन ग्रेन्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर आपका तैयार होता है, दैट इज द एंथर। क्लियर? पोलन ग्रेन्स विल बी डेवलप्ड इनसाइड द एंथर, बट एंथर के अंदर भी कहां पर होगा? यहां पर एक एंथर के अंदर
there are four microsporangium. क्या नाम दिया मैंने? Microsporangium. ठीक. इस पोलन ग्रेन्स को अगर मैं एक स्पोर की तरह कंसिडर करूं, ठीक, तो स्पोरेंजियम मतलब है कि अ वेसल लाइक या एक कंटेनर लाइक विच कैरीज द स्पोर्स. सो इफ पोलन ग्रेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्पोर्स, सो दीज स्पोर्स विल बी डेवलप्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम. और ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर विजिबल होगा? Now this structure will be present inside the anther. समझ में आया? Clear? As such, कि हर एक anther के अंदर कितने microsporangium present है? ना, प्रत्येक anther के अंदर there are four microsporangium which are present, and each of the four microsporangium can produce several hundred to thousand pollen grains. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक. क्योंकि इस टाइप ऑफ स्पोर को, तो ये जो आपका माइक्रोस्पोर से ये स्पोर निकल के आ रहा है, तो इस टाइप ऑफ स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं. क्लियर? इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? और दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज द माइक्रोस्पोर. क्लियर? और इसीलिए इस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट, ये जो एंटायर आपका इवेंट्स हो रहा है इसके अंदर, वी नो नेम एज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस नाम दिया था मैंने. तो मेल गैमेट कैसा होगा? माइक्रो, विच विल बी डेवलपिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर कहां पर होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर. तो ये एंटायर जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. कोई दिक्कत? क्लियर? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यहां पर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, और इसीलिए इसको हम लोग एक मेगा गैमेट भी बोल सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग मेगा गैमेट भी बोल सकते हैं. ठीक. और ये मेगा गैमेट का जो स्ट्रक्चर होगा, दिस मेगा गैमेट विल बी फॉर्मिंग इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है, ये आपका किसके अंदर होगा? ना, ये एक ओव्यूल के अंदर होगा. क्लियर? सो ये ओव्यूल को हम लोग नाम दे सकते हैं द मेगा स्पोरेंजियम. क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द मेगा स्पोरेंजियम. क्लियर? सो सेम जैसे यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर हुआ, ठीक, और माइक्रोस्पोर से आपका माइक्रोगैमेट बना, ठीक, यहां पर भी मेगा स्पोरेंजियम होगा. तो इस मेगा स्पोरेंजियम इज नन अदर देन द ओव्यूल. क्लियर? और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपका द मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा आपका स्पोर होगा, और वो मेगा स्पोर बनाएगा द मेगा गैमेट. क्लियर है? ठीक. सो दिस, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग जनरली नाम देते हैं द मेगा स्पोरोजेनेसिस. ठीक है. सो अगर मैं यहां पर प्लांट्स की बात करता हूं, और प्लांट्स के अंदर हम लोग सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटोजेनेसिस के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोगैमेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां पर होगा? इनसाइड द स्टेमेन, दैट इज द एंथर. और यहां पर होगा आपका द फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग नाम देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस. कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? क्लियर? सो अब इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया, दैट इज वी हैव गॉट द मेल गैमेट एंड वी हैव गॉट द फीमेल गैमेट. ठीक है. सो आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस, अगर दिस इज माई द फिलामेंट विद द एंथर,
सो इस एंथर के अंदर आप क्या बन के तैयार है, पोलन ग्रेन्स बन के तैयार है, ठीक। और वही चीज अगर मैं बात करूं द ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा के लिए, सो यहां पर भी इनसाइड द ओवरी देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर भी आपका द फीमेल गैमेट बन के तैयार होके रखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी माई द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, क्लियर। और यहां पर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को ही नाम देंगे पॉलिनेशन। क्या नाम देंगे इसको? इसको हम लोग नाम देंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होगा ना, पॉलिनेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज चले, सो हियर इट इज द ट्रांसफर किसका ना, पोलन ग्रेन्स। सो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स कहां से, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, मतलब एंथर इज द मेल पार्ट टू द स्टिग्मा विच इज द फीमेल पार्ट। सो ये आपका ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द एंथर टू द स्टिग्मा विल बी नोन एज द पोलन ग्रेन्स, क्लियर। अगर जनरली आप कोई हिबिस्कस या चाइना रोज फ्लावर को अगर आप पकड़ोगे हाथों से, तो जस्ट ऊपर में आपको देखना कुछ येलो पाउडर के जैसे आपकी उंगलियों में चिपक जाएगा। दैट येलो पाउडर और डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स, क्लियर है, ठीक। सो ये जो पोलन ग्रेन्स निकलेगा, दिस पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफरिंग टू द फीमेल स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन का नाम दे देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन, क्लियर। सो आफ्टर पॉलिनेशन मेरा जो पोलन ग्रेन होगा वो जाके यहां पर बैठ जाएगा। इफ दिस इज द पोलन देन द पोलन विल बी सिटिंग ओवर हियर, ठीक। सो अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये हो जाएगा द फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या स्टेप है, द फर्टिलाइजेशन। बट अभी तुरंत फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज एंथर अभी आपके जो स्टिग्मा है, सॉरी जो पोलन ग्रेन है, दैट इज ओवर द स्टिग्मा, क्लियर। सो नाउ सम इवेंट शुड बी हैपनिंग विच विल बी अगेन ब्रिंगिंग दिस पोलन ग्रेन। सो ये पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, सो ये मेल गैमेट को आप धीरे धीरे करके इट विल बी नाउ ब्रिंगिंग टुवर्ड क्लोजर टू द ओव्यूल सो दैट इट कैन इंटरैक्ट विद द फीमेल गैमेट एंड फर्टिलाइज इट, क्लियर। सो इस इवेंट को हम लोग जानने के लिए थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर मैं यहां पर स्टिग्मा को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, सो सपोज दिस इज the ovary and inside the ovary here is the ovule. Suppose this is the ovule which is inside your ovary. ये क्या है मेरा, this is ovule जो कि मेरा megasporangium भी था, inside which the egg cell was formed, clear। तो थोड़ा सा हम लोग पहले discuss कर ले ovule के अंदर। ovule का अगर मैं structure देखू, so ये ovule चारों तरफ से ढका हुआ रहेगा विद अ लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट, या जिसको हम लोग सैक्स भी बोलेंगे। दिस विल बी द आउटर एंड द इनर इंटीग्यूमेंट, कंटिन्यूअसली चारों तरफ रहेगा ओव्यूल का। सिर्फ और सिर्फ ये खाली रहेगा, देख सकते हो आप ये जो इंटीग्यूमेंट मैंने ड्रॉ किया, मतलब एक कवरिंग ऑफ द एंटायर ओव्यूल। ये आपका यहां पर कोई भी इंटीग्यूमेंट आपका कवर नहीं कर रहा है, मतलब दिस एंड इज माई फ्री एंड या कंटिन्यूअस एंड। इस एंड को हम लोग नाम देंगे माइक्रोपाइलर एंड। क्या नाम देंगे हम लोग इसको? हम लोग माइक्रोपाइलर एंड नाम देंगे। और ये हो जाएगा जो दोनों स्ट्रक्चर, दे विल बी द इंटीग्यूमेंट्स। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इसको नाम देंगे द इंटीग्यूमेंट्स। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मैं और बड़ा करके लिख देता हूं, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, क्लियर।
सो द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड द इनर इंटीग्यूमेंट. अब जहां पर एक चीज याद रखना, ये जो ओव्यूल का शेप है ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ये कभी उल्टा भी हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, बट देयर विल बी द माइक्रोपाइलर एंड एट वन एंड. ठीक. अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, इस माइक्रोपाइलर एंड बहुत कुछ दर्शाएगा. मुझे याद रखना है कि ये जो एक ओव्यूल होगा, इसका अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की, सो ठीक ये जो एक्सिस है, दिस एंड विल बी द माइक्रोपाइल एंड. ठीक माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट एंड अगर मैं इसको एक एक्सिस की तरह बात करता हूं, तो जिस एंड में इंटीग्रूमेंट नहीं रहेगा उस एंड को मैंने क्या नाम दिया, माइक्रोपाइलर एंड. जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड ये जो एंड है, इस एंड को मैं नाम दूंगा चैलाजल एंड. क्या नाम दूंगा, चैलाजल एंड. क्लियर. अब एक अगर मेरा ये ओव्यूल है, तो इस ओव्यूल के अंदर जब ये बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा, सो दिस ओव्यूल विल बी नाउ हैविंग सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई. इस ओव्यूल के अंदर कितने सेल्स होंगे, टोटल सेवन सेल्स विल बी देयर एंड देयर विल बी एट न्यूक्लियस. ठीक. क्या क्या है छोटा सा देख लेते हैं हम लोग. जहां पे चैलाजल एंड होगा वहां पर रहेंगे तीन सेल्स, वन सेल विद द न्यूक्लियस, दिस इज वन सेल विद द न्यूक्लियस, दिस इज अनदर सेल विद द न्यूक्लियस एंड दिस इज द थर्ड सेल विद द न्यूक्लियस. सो कितने सेल्स हो गया और कितने न्यूक्लियस हो गया अभी तक, थ्री सेल्स बन गए विद द थ्री न्यूक्लियस. क्लियर. ठीक यहां पर जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, यहां पर एक लंबा सा बड़ा सा सेल होगा और इसी सेल को हम लोग नाम देते हैं द फीमेल एग सेल. क्या नाम देंगे हम लोग, द फीमेल एग सेल. ठीक. एग सेल के दोनों तरफ आपके दो अलग अलग सेल्स होंगे और इस सेल्स को हम लोग नाम देंगे सिनर्जिड्स. क्या नाम देंगे इसको हम लोग, इसको नाम देंगे सिनर्जिड्स. और ये जो ऊपर की तरफ आपके सेल्स है, इस सेल्स को हम लोग नाम देंगे एंटीपोडल सेल्स. ठीक. क्या नाम दिए, एंटीपोडल सेल्स. और ये जो आपका सेंटर में एक सेल लग रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे द सेंट्रल सेल. क्लियर. तो तुरंत देख लेते हैं एक बार सेल्स क्या क्या हो गया. सिनर्जिड्स दो, एग सेल वन, सेंट्रल सेल वन एंड योर एंटीपोडल सेल्स थ्री. सो थ्री प्लस वन फोर, वन फाइव एंड टू सेवन. तो एक आपके ओव्यूल के अंदर सेवन सेल्स हो गया मेरा. ठीक. एट न्यूक्लियाई देखते हैं ना, हर एक सेल के पास अभी तक एक एक करके न्यूक्लियस है, तो एक दो तीन चार पांच छह और ये सेंट्रल सेल विद न्यूक्लियस, सो सेवन न्यूक्लियाई भी हो गया आपके. और जो एक न्यूक्लियस है ये हमें याद रखना है, ये जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल के यहां पर आपका दो न्यूक्लियस एक साथ मिलके और यहां पर बना देता है इसको, याद रखिएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्या नाम, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. बहुत कंफ्यूज लग रहा है, एक बार और देख लेते हैं. स्टार्टिंग करेंगे हम लोग क्या से ना, बिल्कुल भूल के आप यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए, फोकस कीजिए. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओव्यूल. कैसा ओव्यूल, नाउ व्हेन दिस ओव्यूल इज फुल्ली मैच्योर टू एक्सेप्ट द मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन. क्लियर. सो ये जो मैच्योर ओव्यूल होगा, उस मैच्योर ओव्यूल के अंदर कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस रहेगा, काफी बार क्वेश्चन आता है एनटीएससी के अंदर. सो हियर वी विल बी फाइंडिंग सेवन सेल और एट न्यूक्लियस. इसीलिए इस ओव्यूल का हम लोग बात ही करते हैं कि दिस इज
a seven-celled, eight-nucleated structure. क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? इसको सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नाम देते हैं. तो क्या क्या सेवन सेल्स और एट न्यूक्लियस होगा? ना, सेवन सेल्स के अंदर हम लोग ये जो ओव्यूल है इसको दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं. एक रीजन हो जाएगा माइचैलसल एंड और दूसरा रीजन हो जाएगा द माइक्रोपाइलर एंड. पहला चीज कैसे करके समझेंगे माइक्रोपाइलर एंड कहां पर होगा? ना, ये जो ओव्यूल है ये दोनों तरफ से ऐसे करके इंटीग्यूमेंट से ढका हुआ रहेगा. जिस पोर्शन में इंटीग्यूमेंट नहीं होगा दैट पोर्शन विल बी डिनोटिंग द माइक्रोपाइलर एंड. जिस पोर्शन में इंटीग्यूमेंट विल नॉट बी कवर्ड, ठीक, जहां पे आपका गैप रह जाएगा इंटीग्यूमेंट्स के बीच, उस पोर्शन को हम लोग नाम देंगे माइक्रोपाइलर एंड. और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा चैलसल एंड. सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना. क्लियर? नेक्स्ट, जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड जो आपका बिगेस्ट सेल रहेगा दैट विल बी योर द एग सेल और द फीमेल गैमेट. क्लियर? एग सेल विल बी सराउंडेड बाय टू सिनर्जिड्स. ठीक, क्लियर? सो ये कहीं पर एग सेल और सिनर्जिड इन दोनों को मिला के काफी बार बोला जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज द एग एपैरेटस. क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? एग एपैरेटस भी बोला जाता है. सो एग एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ द एग सेल विथ द टू सिनर्जिड्स. समझ में आया? जहां पे एग सेल और सिनर्जिड रहेगा जस्ट इसके ऑपोजिट टुवर्ड्स द चैलसल एंड द थ्री सेल्स विल बी देयर which will be termed as the antipodal cells. Clear? And there will be a central cell which will be having two nucleus. So, wo do nucleus aapas mein aayega, but they will not be fusing with each other. Dono hi nucleus center cell ke andar rahega, aur isliye is type of aapka nucleus ko hum log naam dete hai, secondary nucleus. Clear? Thik? So, three antipodal, one central cell, one egg cell, two synergids will all be making up to the seven cell structure. Thick? Aur har ek seven cells ke paas ek ek nucleus. Only the central cell ke andar aur ek nucleus ho jayega, which will be making total eight nucleated structure. Samajh mein aaya bilkul achhi tarah? Thick? Agar ye samajh mein aa gaya hai, to ab hum log baat karenge, ye hame utna zyada aur zaruri nahi hoga. I'll be only requiring the egg cell. So, एक सेल को यहां पर रख देते हैं और बाकी हर चीज हम लोग हटा देते हैं. और अब हमें समझना है अच्छी तरह द स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन.